बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है इसलिए कि इनमें गरीबी बहुत है और इनमें ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों के प्रभाव में आ सकते हैं पैसे के लालच में। इसलिए चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है इस मामले पर, और इसमें मानवाधिकार भी शामिल है, जैसे हिलाल साहब ने जो बात कही मैं इससे सहमत हूँ, तो इस मामले पर केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि इनकी वापसी कैसे हो, इनकी वापसी में भी कोई ऐसी चीज ना आवे जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो या जो हमने अन्य देशों से समझौते कर रखे उनका कोई उल्लंघन हो। तो बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही सही तरीके से चाहिए कि केंद्र सरकार को वो अन्य दलों से भी इस मामले में विचार विमर्श करें, खुद ही विचार विमर्श करें, उनसे बातचीत करके, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय मसला है, तो राष्ट्रीय मसले पर सारे दलों को विश्वास में लेना चाहिए, अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी।